सरपंच है कि ले कोने फिर से सरपंच उतार भरेंगे। हरियाणा के 6,500-7,000 गांवों से तमाम किसान और तमाम मजदूर जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। इस बात में सरकार के शक रह रहे हो अकिल के गेल को है कोने तो इसने काट दियो मैम ने। और कल जो सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज किया है मेरे दिल में एक पक्की तसल्ली होगी अगर 2024 में जुकर थारे लख मारे नुए इनके तंबू बांटेंगे इलेक्शन में पक्की गारंटी दे हुआ। सवाल ये है कि आप लोग क्यों हड़ताल कर रहे हो? हमारे देश का जो संविधान है उसमें 73 में जो संशोधन होया पंचायती राज संस्थाओं को जो पावर दी गई क्यों दी गई? क्योंकि हमारे नेता हमारे नीति निर्माताओं की क्या 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 सपना था? अब गांव देहात में रहने वाला व्यक्ति उसका विकास होना चाहिए। और तो बड़ा विकास साहब भी कर ले हैं, MLA MP भी कर ले हैं, उद्योगपति भी कर ले हैं, लेकिन जिसके दो खुड़ बांडा हुए हैं पर मजदूर जो दिन रात दिहाड़ी का है उसका विकास क्यों करोगा? उसके लिए पंचायती राज संस्था बनाई थी, इनको पावर दी गई थी, लेकिन पूरी के पूरी इन पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर सरकार हमला करना चाह रहा है। सरकार यह चाह रहा है कि ये सारे जितने सरपंच हैं ये जाके खट्टर के जी हजूरी लावे, यही टेंडरिंग और की मैं को नहीं सारा नाम क्या क्या दिलोगे? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कुड़ के रहा भ्रष्टाचार सरपंच भ्रष्टाचार करेंगे। आप काढ़ के देख लो जड़ा ही टेंडरिंग को नहीं आया, जड़ा ही टेंडरिंग है पूरे कुल भ्रष्टाचार करे ऊपर से लेकर नीचे तक ये जितने सारे अधिकारी हैं हम ये नहीं कहते उस पर रोक लगा दो, लेकिन इसका नाम लेकर आप लोगों के हक अधिकारों पर हमला कर दोगे या बर्दाश्त नहीं होगी। ये सवाल ये भी नहीं है कि राइट टू रिकॉल का जिस तरह से लेकर आए अपन तो बड़े उठे। जब मोदी की सरकार आई इनके शायद 39% वोट थे तो 60% तो इनके खिलाफ थे कि नहीं थे? तो गांव में जो सरपंच के चुनाव है वो में करा 10 लड़े थे 20 लड़े थे कितने कितने सर्वसम्मति तो बन गया तो इनके राइट टू रिकॉल ले आओ। कोई सरपंच काम ना करे तो उसने उल्टा ले का हो, जो MLA ना करता उसने उल्टा लेने का कानून क्यों नहीं बनाती सरकार? कोई MP जो कि जिसको जनता के ये हमारे ऊपर हमला इसलिए कर रही है सरकार कि ये जो लोग हैं ये जो विश्वास कर रहे हैं और हमने दे रहा है जब हम टीकरी बॉर्डर पे सिंगू बॉर्डर पे पलवल में गाजीपुर में बैठे थे तो आप तमाम लोगों ने किस तरह का सहयोग किया था? ये बैठे हमारे भाई जो रोहतक के जिन्हें तो मैं पर्सनली जानू हूँ इनने तमाम तरह की मदद उस किसान आंदोलन में करी थी। 2 साल तक जब लटका दिए अरीब जब जीत लिए इब कह के थारे तो रखो है पावर कोने घर बैठ जाओ। ये सरासर तानाशाही है तानाशाही, इसका केवल एक ही जवाब हो सकता है अपने एक अधिकार लेकर लड़ो इकट्ठे हो। इससे नारा और कोरा अपने द्वारा है नहीं। जिस तरह से ये सरकार पूरी ग्रामीण विकास की संस्थाओं को तबाह करना चाह रही है इनका उद्देश्य ये है कि ये पूरा जो ढांचा बना हुआ है इस पूरे ढांचे को तहस नहस और बर्बाद कर दे। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, भगत सिंह थे, जो है अपन शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती शहादत दिवस मनाया उन लोगों का क्या सपना था? सबके लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के अवसर हो, सब बराबरी का जीवन जीवन, सब जो है जाति धर्म ने भूल के इलाके ने भूल के एक हो। लेकिन ये जो बताए हैं इस देश में कहीं धर्म के नाम पे कहीं इलाके के नाम पे कहीं गोत्र के नाम पे आपाती लड़वाण का काम कर रखा है। ये भाई बैठे सरदार हमारे भाई चुकर दे के भी रहे हैं, जब ये बोटरा बते पंजाब के लेके चले के बोले खालिस्तानी है ये फलाने एजेंट है अरीब न्यूज थारे ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर दिया। ये तो कांग्रेस ने भड़का रखे, ये फलानी पार्टी ने भड़का रखे, कोई किसी ने नहीं भड़का रखा या इनके भीतर समझ मारी है इनने इस बात का आकलन कराया है कि ये जो नीति सरकार ने बनाई है ये हमारे हक में है हमारे विरोध में है। आपा तो ई टेंडरिंग करवा जब विधानसभा का सत्र चल रहा था ये खट्टर सरकार ने खेती बाड़ी पे
टैक्स ला दिया, ग्रामीण विकास शुल्क न्यूनतम थारा बजट काट दिया, न्यूनतम जमींदारों ने नुके है जो 50 रुपये प्रति क्विंटल टैक्स देना पड़ेगा, थारा विकास करांगे, गांव का विकास गांव वाले बैठी लेकर करेंगे। फिर ये जो थारे पेट खुले पड़े, हम क्यों बुला रहे हो, हम अपने ऊपर ला लो ने तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की, जब थारा जी आओ पेंशन बढ़ा लो, जब थारा जी आओ अपने भत्ते बढ़ा लो। ये कई भाई फैक्ट्री के नंबरदार वे जब अपनी मांगा लेकर मिले तो नंबरदार आती भी आए कभी बोले थोड़ी जरूरत को गमा में नंबरदार की कोई जरूरत नहीं। तो एक एक करके पूरे इस ढांचे को, पूरे इस हरियाणा को ये सरकार बर्बाद करना चाहती है। इसलिए अपन सब ने मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न्यूनतम के एमपी जो अपना पूरे धरने चल रहे, यहाँ सरपंच बैठे 10 दिन पहले यहाँ कर्मचारी आए उनके लाठी मारी, कोई तबका आज ऐसा नहीं छोड़ रखा जो सुख से अपना जीवन जीता हो। महंगाई ने बुरा हाल कर रखा है, रोजगार बच नहीं रहा, अपनी नौकरी पक्की कर ली, अरे अपने बड़का की जो नौकरी देनी थी उसमें वो कौशल विकास निगम बना दिया, कोई पक्की नौकरी की गारंटी नहीं, चाहे किसी ने एमए कर ली, एमफिल कर ली, पीएचडी कर ली। तो ये सरकार जो है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार खेती दिहाड़ी कर दिया ना, जच रही हो तो बजट उठा के देख लियो, मनरेगा का बजट घटा दिया, ग्रामीण विकास का बजट घटा दिया, खाद और उर्वरक की जो सब्सिडी होती थी वो घटा दी, ग्रामीण विकास का बजट घटा दिया। ये बदला ले रहे हैं अकीन ने जो मोदी झुकाया था, इन पर बदला लो। इसलिए अपने समझनी पड़ेगी, लंबी लड़ाई है। इसके साथ साथ जो दूसरी भी अपने मांग मुद्दे हैं उनके लिए जो संघर्ष चल रहा है अपना हरियाणा में, अखिल भारतीय किसान सभा भी है, संयुक्त किसान मोर्चा भी है, मैं आपके नेतृत्व से अपील करता हूँ हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है 4 तारीख को जींद नरवाना जाट धर्मशाला में, हरियाणा के सभी किसान संगठन आएंगे वहाँ, अकेले अकेले तो हम समर्थन कराए हैं, आप लोग भी संयुक्त किसान मोर्चा को कहो कि वो इस लड़ाई में आपके साथ शामिल हो, और मने यह उम्मीद है आपके गैर इस लड़ाई में वो शामिल होगा, क्योंकि आपको न्यारी लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप भी वो लड़ाई लड़ने लग रहे हो जो हम लड़ने लग रहे हैं। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आप सभी को दोबारा से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आप लोगों की लड़ाई में अखिल भारतीय किसान सभा जो है पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी किसान साथी है, सब आपके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ांगे। और भाई सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए, एक खट्टर के घुटने पक्के टका देंगे। जुकर मोदी ने डाला पता छोटा था ना, माफी मांगनी पड़ी थी, परंतु वो हो जब पाया था जब हमारी एकता होगी। इसलिए अपनी बात को खत्म करते हुए आप लोगों से मेरी दोबारा अपील कि अपने अपने गांवों में लोगों ने भी जोड़ो, गाओ या जाओ, ई टेंडरिंग रहेगी कोई विकास कार्य नहीं हो पाएगा, राइट टू रिकॉल होगा तो दंगे होंगे गांवों में, आज बताऊं या लिखवा लियो। यो बबली तो सरेआम क्या था, कहीं नहीं गई इसने, बोला तेने मैं वापिस करा दूंगा, ये घमंड बोल रहा है इनका, ये खट्टर हमसे बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, घमंड उनके अंदर, ताकत का नशा उनके अंदर भरा बैठा है। इसलिए आप आज इकट्ठे रहे तो इनका घमंड भी तोड़ेंगे, इनका गुरूर भी तोड़ेंगे और अपनी लड़ाई में भी जीतेंगे। भाई इसी आशा उम्मीद के साथ मेरी बात सुनी, हर भाई को गलत बात निकली हो उस खातर माफी मांगा हम। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।